नमस्कार दोस्तों, आपने पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने किडनी डिजीज के बारे में बताया। मेरे को खान साहब ने फोन किया था कि यार मेरे बेटे के किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसके बारे में मैंने काफी चीजें उनको बताई। मुझे लगा ये सभी लोगों को पता होना चाहिए, आज इसी संदर्भ में उस वीडियो का पार्ट टू बना रहा हूं। पार्ट वन के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक्यूट किडनी इंजरी क्या होती है, क्यों होती है, इसका क्या ट्रीटमेंट है। आज हम क्रोनिक किडनी डिजीज के बारे में बात करते हैं। क्रोनिक किडनी डिजीज किस वजह से होती है, इसमें क्या जांचें करवा सकते हैं, इसका क्या समाधान है, खाने पीने में क्या सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों, क्रोनिक किडनी डिजीज या क्रोनिक रिनल फेलियर ऐसी बीमारी है जिसमें कि गुर्दा जो है या किडनी जो है परमानेंटली डैमेज होती है, यानी इसके रिकवरी के चांस नहीं है। जबकि एक्यूट किडनी इंजरी के अंदर आपने देखा था कि गुर्दा रिकवर हो जाता है, इसमें शुरुआती दौर में एक दो डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन बाद में कोई डायलिसिस जरूरत नहीं। यहाँ पर व्यक्ति को रिपीटेडली डायलिसिस की जरूरत, यानी कि गुर्दे के रिकवरी के चांस बिल्कुल नहीं है। क्यों होती है, इसमें मुख्य रूप से जो कारण है, एक तो डायबिटीज है, शुगर की बीमारी उसके कारण ऐसा हो सकता है, ब्लड प्रेशर बीपी की प्रॉब्लम के कारण ऐसा हो सकता है, तीसरा क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस यानी कि इन्फेक्शन के कारण गुर्दे में यदि कोई इन्फेक्शन हो जाए उसके कारण हो सकता है, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जिसमें कि गुर्दे के अंदर कुछ सोजन आ जाती है नेफ्रॉन्स के अंदर, उसके कारण ऐसा हो सकता है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे कारण है, लेकिन जो मुख्य रूप से जो कारण है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें डॉक्टर आपको कैसे बता पाएगा, कैसे पता लगाया जा सकता है, डॉक्टर क्या क्या जांच करवाएगा। डॉक्टर इसमें जनरली मुख्य रूप से एक तो सोनोग्राफी करवाएगा, सोनोग्राफी में पता लगाया जा सकता है कि किडनी की साइज कितनी कम हो गई, किडनी की साइज एक लेवल पे भी कम हो गई, उसके कारण ऐसा हो सकता है क्रोनिक किडनी। इलेक्ट्रोलाइट की जांच होती है, ब्लड के अंदर रिनल फंक्शन टेस्ट होते हैं जिसमें यूरिया क्रिएटिनिन बहुत महत्वपूर्ण है, और कुछ और भी जो इससे संबंधित जांचें होती है, जैसे कि यदि शुगर है तो शुगर की जांच करवानी चाहिए, इसी प्रकार से यदि इन्फेक्शन है तो उसमें यूरिन कल्चर या यूरिन की जांच के द्वारा पता लगाया जा सकता है, और किडनी बायोप्सी भी कई बार जरूरत है। ट्रीटमेंट के अंदर जैसा मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ऐसे मरीज को जनरली डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, रिपीटेडली डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर और कोई तरीका उसका नहीं रहता, क्योंकि किडनी बिल्कुल काम नहीं करती है और किडनी का काम करने के आगे फ्यूचर में कोई आसान नहीं। तो ऐसे मरीज को स्टार्टिंग में डायलिसिस पे रखा जाता है, जब बार बार डायलिसिस की जरूरत पड़ती है तो फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन करने के और कोई आसान नहीं। ऐसे मरीज को फिर बाद में किडनी डोनर की तलाश करती है, और डोनर की किडनी मिलने के बाद में किडनी ट्रांसप्लांटेशन। खाने पीने में मुख्य रूप से ऐसी चीजें नहीं लेनी चाहिए जिससे कि शरीर में पोटेशियम की मात्रा जाती है, तो जनरली ऐसे जूस वगैरह जो चीजें रहती है, सिट्रस फ्रूट रहते हैं, वो अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा।